पेपर लीक हुए, लेकिन भाजपा की सरकार जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने बड़ी कार्रवाई नहीं की पेपर लीक को रोकने के लिए। पेपर लीक जब होता है तो बच्चों को पता नहीं चलता है, हम यू पकड़ते हैं, हम सरकार पकड़ती है कि आज पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दो। हम बेईमान नहीं है, यदि कांग्रेस की सरकार बेईमान होती तो पुलिस से कहती चुपचाप रहो, पेपर लीक हो गया, हंगामा होगा, हो जाने दो। तो जो गलत बच्चे हैं, जो डिजर्व नहीं करते, वो चले जाते हैं सिलेक्शन होकर। हम पेपर लीक को पकड़ रहे हैं, बीजेपी नाटक करके बच्चों को भ्रमित कर रही। गुजरात में रोज पेपर लीक होता है जहाँ बीजेपी का शासन है, केंद्र में बीजेपी का शासन है, रोज पेपर लीक होता है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस की सरकार करती है। मैं सब बच्चों से, राजस्थान की जनता से कहूँगा, हम पेपर माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, भू माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम जान दे देंगे, लेकिन बच्चों की जिंदगी जिंदगी बर्बाद करने वाले पेपर माफिया को नहीं छोड़ेंगे। आज राजस्थान में पेपर माफिया की कमर तोड़ के रख दी हमने। आप हमारे साथ आओ, हमारा काम अच्छा है, हमारी नीति रीति अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है, हमारी आत्मा अच्छी है, ऑल इज वेल सोचते हैं हम। राम और रहीम के नाम पर झगड़ा नहीं कराते, मैं खुद भगवान राम का वंशज हूँ, लेकिन हम कभी नहीं कहते दंगा हो। बीजेपी जब आती है तो प्रदेश में दंगे होते हैं, देश में दंगे होते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं महंगाई की बात मत करो, रोटी की बात मत करो, रोजगार की बात मत करो, दंगा करो हिंदू मुसलमान के नाम पर। देश में जो लोग धर्म के नाम पर बंटवारा करके वोट की रोटी सेकना चाहते हैं, भूखे पेट लोगों को मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं, जो रोटी देते नहीं रोटी से खेलते हैं, वो बीजेपी के लोग हैं।